अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सभी तमाम भाइयों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक हो दोस्तों। और मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, आज अभी कुछ बजीज के चिक्स वगैरह निकले तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लें। और उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान भी जो है बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी सारी दुनिया में, सारी दुनिया परेशान है इस बीमारी से जूझ रही। कई लोग जो है अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं बीमारी की वजह से, कई कंपनी कई इदारे बंद हो चुके हैं, और जिसमें जो है गरीब तबके के लोग वो भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का जो काम करके जो लोग गुजारा करते हैं वैसे लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तो इस माह रमज़ान के इस मौके पर तो आप सभी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस माह रमज़ान में जो है नमाज़ों का ख़ास कर अहतमाम करें, और जो है दुआओं में याद रखें मुझे भी और तमाम दुनिया के जो जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ में वबा जो फैली हुई है इसके लिए इसके हक में दुआ करें नमाज में कसरत से, ताकि जो है दुनिया से जो है बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अपना जो है रोज़ का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोग इसमें बहुत सारे परेशान हैं उसकी वजह से, बीमारी की वजह से जो रोज़ कमा के जो गुजारा करते हैं उन लोग जो है काम नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशान हाल है। फिर भी जो लोग अच्छे खासे जो सेटल लोग से जो अच्छे सेट लोग हैं वो लोग को उतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही, फिर भी जो है मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो देखिए ये मेरे सामने कुछ बजीज के जो बेबी निकले थे, ये एक ही पैर के बेबी है जो मेरे पास में निकले हैं, जो मैंने सोचा अभी चेक किया था मैं। ऐसा तो मैं रोज़ चेक करता हूँ, क्योंकि रोज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है उनको, क्योंकि ये बड़े चिक्स है। देखिए जो स्टार्टिंग में जो निकले थे ये बजीज जो है फर्स्ट वाले है, देखिएगा ये साइज़ वगैरह इन लोगों का बड़े साइज़ में है। ये देखिए फ़ीमेल जो है अच्छा खासा फिट करा के रखी है लोगों को भी माशाल्लाह से, ये देखिए अच्छी क्वालिटी में है। और इसी के जो है टोटल ये बड़े वाले चिक्स है, फर्स्ट वाला ये बेबी निकला था, सेकंड वाला ये है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए सेकंड वाला बेबी, ये वाला सेकंड वाला बेबी है और ये वाला थर्ड है, ये फर्स्ट है माशाल्लाह। अभी लोगों को जो है अभी करीबन ये जो है 15 डेज़ की, ये मैं समझता हूँ ये 12 डेज़ का होगा आराम से, 12 डेज़ या 10 डेज़, ये फिर 8 डेज़ का है। और ये जो है उसके बाद के जो बेबीज़ है ये देखिए बिल्कुल काफ़ी छोटे साइज़ में है ये, एक सेकंड, क्योंकि अकेले मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये भी करना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताने में थोड़ी लेट हो रही। इस लास्ट वाला ठीक है, देखिए सबसे लास्ट वाला है ये बिल्कुल छोटा, ये कल ही निकला है मतलब अंडे में से बाहर निकला है, देखिए छोटा आप नज़र नहीं आ रहा होगा, ये उसके ऊपर ही रख देता हूँ मैंने, ये देखिए बिल्कुल छोटे साइज़ में है, ये कल ही निकला था बेबी। और ये तो जो है बड़े है, तो ये चेक कर लेने से जो है अच्छा रहता अपने अपने लिए, क्योंकि इसमें दरअसल होता ये कि जो बड़ा चिक होता है, जो बड़े बड़े वाले जो चिक्स होते हैं वो अच्छे से फिट कर लेते हैं, जो छोटे वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये देखिए अभी तो इसको इसके पैरेंट ने फिट किया है, सही है, ये एक हो गया और इसको भी फिट किया, ये भी फिट करा सो है, और ये भी देखिए फिट माशाल्लाह अच्छा फिट करा रहे हैं इन लोगों के पेरेंट्स इन लोगों को। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी और पालेंगे इन लोगों को इन लोगों के पेरेंट्स। ये देखिए ये भी बेबी को जो है अच्छे से फिट करा के रखे इन लोगों के पेरेंट्स ने, ठीक है। तो मैं अभी जो है इसमें से चेक कर रहा था और मैंने सोचा कि भाई चलो ये जो बेबीज़ है इन लोगों को हैंड फिट पर उठाने का मैंने इरादा किया, मैं हैंड फिट पर उठाऊँगा इन लोगों को, और अभी नहीं थोड़े दिन जाने के बाद में, 4-5 दिन जाने के बाद में इन लोगों को हैंड फिट पर उठाऊँगा मैं, उठाने के बाद इंशाल्लाह जो है आप लोगों से हैंड टेम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि घर पर होने की वजह से ज़्यादा काम तो कुछ हो रहा नहीं, बस जो है घर के काम चल रहे और नमाज़ें चल रही, इबादत चल रही, उसके बाद में फ्री टाइम रह रहा, तो अभी तो टाइम भी होने की वजह से जो इंशाल्लाह इन लोगों को हैंड फिट को उठाऊँगा बल्कि इरादा है, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा प्रोग्रेस, ठीक है दोस्तों। और अभी तो देखिए पूरी एक कॉलोनी भी खाली हो गई, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं चल रही मेरे पास में,
मैंने आपसे बोला था कि तकरीबन जो है मैं बजी सेल कर देना चाह रहा हूँ, सेल हो गया उसमें से। अभी कुछ सिलेक्टेड पेयर्स थे जो मैं रोक लिया था, जिसमें से ये बजीज़ वगैरह रिलीज, उसके बच्चे जो है आने हैच हुए हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे भी और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।